तो गाइस, ये व्लॉग नॉर्मल व्लॉग की तरह नहीं होने वाला है। जो जो लोग को भी नॉर्मल व्लॉग देखने का, तो आप मेरा प्रीवियस व्लॉग जाके देख सकते हैं। बट ये व्लॉग जो होने वाला है, थोड़ा मेरा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रहेगा, तो जिसको भी इंटरेस्ट है देख सकते हैं, थोड़ा इमोशनल लेवल पे। और ये वीक काफ़ी मेरे लिए इमोशनल रहा है, थोड़ा स्वीट थोड़ा बिटर ऐसे टेंजेंट पे रहा है मेरे लिए। एंड आपने जो भी इंट्रो में फ़ोटोज़ देखे, वो मेरी बड़ी बहन के हैं, वो जब छोटी थी। एंड हम एक ही घर में बड़े हुए पिछले, मेरे लिए तो 23 साल से हम उस घर में रह रहे थे, बिकॉज़ आई एम 23 ईयर्स ओल्ड एंड मेरी बहन। और ये घर में हम लोग 1997 में आ गए थे कुछ, तो मेरी बहन मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट से ही रह रही है इस बिल्डिंग में। तो गाइस, जस्ट एडिट करते करते मेरे को आपको एक रॉ फीलिंग बतानी है कि अभी रात के 11 बजे एंड डैडी कुछ काम से नीचे गए। एंड एक टाइम पे 10 साल पहले ये घर घर जैसा हुआ करता था, मम्मी बहन मैं सुबह अगले दिन स्कूल जाने की भाग दौड़, जल्दी सो जाओ, स्ट्रिक्टनेस एक प्रॉपर। अभी कुछ ऐसा रहा नहीं, काफ़ी सूना लग रहा है। तो ये जान मुझ के मैं अभी शूट कर रहा हूँ, बिकॉज एक रॉ फीलिंग, आप समझे कि मैं कौन से फेस में हूँ। एंड कुछ सालों बाद आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि मेरी मैं फैमिली बनाऊँ और ये फैमिली को फिर से कंप्लीट करूँ। एंड काफ़ी इमोशनल फील हो रहा है। तो बैक टू एडिटिंग एंड अब आगे देखो। काफ़ी इमोशनल था ये, जो भी आपने फोटोज़ देखे मेरी मॉम के एंड मेरी सिस्टर के। एंड ये वीक माई सिस्टर गॉट मैरिड, एंड कभी मैंने वो लाइफ इमेजिन नहीं किया था विदाउट माई सिस्टर, बिकॉज आदत रहती है ना हमें, हम जो एक पर्सन की आपको एक आदत होती है और पता है कि वो अपने आजू बाजू में रहने वाला है, तो एंड वो एक पर्टिकुलर पर्सन को अपन ग्रांटेड ले लेते हैं, पता है वो किधर रहेगा हमेशा वगैरह। एंड जब वो पर्सन आपके लाइफ से चले जाता है, थोड़ा वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो तब वो उस पर्सन की वैल्यू पर समझ में आ जाती है। इट्स बीन अ टॉम एंड जेरी वाला एपिसोड फॉर मी फॉर लास्ट 23 ईयर्स। आफ्टर माई मॉम, जिनको भी नहीं पता, ये सॉन्ग जाके आप सुन सकते हो, इट्स कॉल्ड ममा। उस पर मैंने एक्सप्लेन किया है, इन शॉर्ट बता दो कि माई ममा इज नो मो, शी पास्ड अवे इन 2015। सिंस देन एंड उससे भी पहले माई सिस्टर हैज़ बीन माई सेकेंड मदर, एंड मेरे काफ़ी चीज़ों को लुक आफ्टर किया उसने। एंड जब विदाई के बाद मैं जब घर आ रहा था, तो काफ़ी जब वो रो रही थी एंड मैं बाय बोल रहा था उसको, तो काफ़ी मेरा डैड भी रो रहे थे एंड मेरा काफ़ी दिल को वो मतलब हजम ही नहीं हुआ, एंड काफ़ी मुश्किल था वो, एंड वो रजिस्टर ही नहीं हो पाया अभी कि वो पर्सन अभी ऐसा डे टू डे लाइफ में मेरे साथ नहीं रहेगी। अभी पहले से ओबियसली मैं उसके घर जाऊंगा शादी के बाद, बट वो पहले वाला जो एक भाई बहन का बॉन्डिंग होता है घर में, साथ में बड़े बड़े होके साथ में रहना, साथ में फाइट करके साथ में रक्षाबंधन करना या फिर जो भी हो, ये वीक काफ़ी हेक्टिक भी था मेरे लिए। एंड आई वाज बीन ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ वर्क, लाइक हल्दी, फिर एंगेजमेंट, फिर शादी, ऑल ऑफ द सडन वो सब रश, सब वो सब काम ख़त्म हुआ। अजीब लगा कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करना है, हो गया, इट्स टाइम टू गो बैक टू द नॉर्मल लाइफ। बट वो नॉर्मल लाइफ में भी अभी वो नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी। अभी जब मैं विदाई के बाद उसके घर पे उसको मैं छोड़ के आया, एंड वापस आते टाइम रात को मैं कुछ 1-2 बजे पहुंचा, एंड ऐसे ही वही घर में हम रह रहे साथ में, एंड वही घर के गैलरी में, एंड जस्ट मैं ऐसे ही बाहर देख रहा था स्काई के, इधर ऊपर देखे बस वही बात कर रहा था कि मम्मा कि मैंने जो भी है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया भाई होने का, एंड डोंट वरी सिस्टर का मैंने अच्छे से शादी वगैरह में फुल एफर्ट किया, एंड ये सारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी और डैड, आई एम हियर टू टेक केयर। ये जो फोटो है ये वाला काफ़ी हिट हो रहा था, क्योंकि ये यही गैलरी में मेरी मॉम ने और मेरी बहन ने फ़ोटो खिंचाया था, एंड दोनों इम्पोर्टेंट वुमेन मेरे लाइफ के। मेरी मम्मा थी वो तो शी लेफ्ट बैक देन, एंड नाउ सिस्टर का अलग जर्नी अभी चालू होगा, बट एट द एंड दिस इज़ लाइफ। तो जितने भी सिबलिंग देख रहे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे अभी, तो प्लीज़ जाके करो, क्योंकि एक बार शादी होने के बाद, स्पेशली ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक बार शादी होने के बाद आप काफ़ी मिस करोगे आपके सिबलिंग को, एंड आपके पेरेंट्स से भी आप अगर बात नहीं करो तो प्लीज़ जाके करो, यू नेवर नो, एक बार वो पर्सन आपके पेरेंट चले जाए आपके लाइफ से, तो उससे बड़ा रिग्रेट कुछ नहीं लाइफ में।
तो जितने भी गिले शिकवा सब साइड में रखो, बात करो। नेवरदलेस मेरे दोस्त लोग ने भी शादी अटेंड की, एंड ये हरामखोर लोग आए थे शादी में मेरे, एंड काफ़ी मदद भी की मेरे, एंड खाने खाने के लिए 4-5 बार बैठे लोग, ये क्लिप में देख सकते हो आप। दानिश जो राजपाल यादव जैसा दिखता है, उसने 4-5 बार खाया। उधर फुल वेटर बन के आया था, ऊपर व्हाइट शर्ट नीचे ब्लैक पैंट। मैं बोला भाई वही ग्रे कोट उसको अगर मिल जाता ना पूरा, वो लोग एक्ट्रेस वाले इसको उठा के लेके जाते। एंड रोहित एंड अक्षय भी आए थे मेरे, और मेरे लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं मेरे ब्लॉग के साथ। टिल दैट टाइम स्टे मोटिवेटेड, आवाज़ ख़राब है मेरे को मालूम है, स्टे मोटिवेटेड, टिल दैट टाइम स्टे मोटिवेटेड एंड नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स।